हेलो एंड वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा रखे हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो 1 मिनट पॉज करके सारे टॉपिक्स यहाँ से पढ़ सकता है एंड वो चैनल से ही सारे टॉपिक्स एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों, मैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करती रहूंगी, तो रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे सोशलिज्म। जो सोशलिज्म है उसका मैंने ऑलरेडी क्या मीनिंग होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अर्ली फेज, लेटर फेज, ये सब कवर करा चुकी हूँ। कितने टाइप का सोशलिज्म होते हैं, जैसे इवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी, देन फेबियन, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, रिविजनिज्म, सिंडिकलिज्म, गिल्ट सोशलिज्म, ये सारे हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो मेन प्रोपोनेंट हैं सोशलिज्म के, उनके क्या क्या आइडियाज हैं। और इसमें हम कवर करेंगे रॉबर्ट ओन, चार्ल्स फोरियर, प्रावधान, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों, ये सारा हम इनके साथ सबके आइडियाज देखेंगे, देखेंगे कि क्या क्या उनका आइडिया था सोशलिज्म का। तो दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज एंड में मैं कार्ल मार्क्स कवर कराऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में जब हम मार्क्सिज्म कवर करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा रोल है इस वाली वीडियो का। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट ओन से। तो रॉबर्ट ओवन का जो आइडिया था ना सोशलिज्म का, वो बहुत ही यूनिक था, क्योंकि ये देखो, पहली बात, ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने सोशलिस्ट वर्ड यूज किया था 1827 में। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और कहां किया था, इनकी जो कोऑपरेटिव मैगजीन थी वहां पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसे याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सपोर्टर थे इंडस्ट्री बेस्ड डेवलपमेंट की। अब देखिए, जो हम मार्क्सिज्म वगैरह पढ़ते हैं उसमें ये था कि जो इंडस्ट्री वगैरह है ये सब प्राइवेटली ओन नहीं की जानी चाहिए, लेकिन हाँ, ये मानते थे कि इंडस्ट्री बेस्ड डेवलपमेंट हो सकती है, बिकॉज ये खुद भी एक स्कॉटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर थे एंड ये बिलीव करते थे कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम है ना, यही एकमात्र एक जरिया है जो कि लिबरेट कर सकता है, यानी कि आजाद कर सकता है मानवता को पावर्टी पावर्टी से एंड इग्नोरेंस से। क्योंकि लोगों को एक तो गरीबी थी और दूसरा उनको अपने राइट्स नहीं पता थे, अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ना, वो कोऑपरेटिव मॉडल होना चाहिए, यानी कि सब लोग कोऑपरेटिव एक बनाए एंड उसमें सब लोग अपनी हिस्सेदारी दें और जो प्रॉफिट आए फिर वो सब जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बांटे। यानी कि ये कोऑपरेटिव मॉडल को सपोर्ट करते थे रादर देन इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट मॉडल। इनका ये भी मानना था कि जो ह्यूमन नेचर है ना, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये बिलीव करते थे कि ह्यूमन नेचर एज सच बुरा नहीं होता, क्योंकि उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि जो उनके आसपास का एनवायरमेंट है ना, उसको थोड़ी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। यानी कि अगर वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाए तो हम ह्यूमन नेचर को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो पीसफुल लाइफ जिए, हार्मनी में रहे। उन्होंने एडवोकेट किया फॉर्मेशन ऑफ विलेज ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए गांव के जो कोऑपरेशंस थे अलग अलग, और उसमें ये किया गया कि जो अनएम्प्लॉयड थे ना वहां पे उनको काम दिया गया। तो इससे निकल के आया एक आइडिया जिसको हम बोलते हैं राइट टू वर्क, कि सबको काम करने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि जो कॉपरेशन था उसको ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव की तरह नहीं देखते थे कॉम्पिटिशन का, लेकिन एक ऐसा तरीका देखते थे जिससे मॉरल इम्प्रूवमेंट हो सकता है ह्यूमन बीइंग का। क्योंकि जब सब काम करेंगे ना तो सब कुछ ना कुछ अर्न करेंगे एंड अर्न करेंगे तो फिर सबका क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है उनको ओन करेंगे एंड अगर रिसोर्सेज पूरे कर सकते हैं अपने एंड सारी अपनी जो नीड्स पूरी कर सकते हैं तो एक सेंस आ जाता है कि हार्मोनी का। क्योंकि जहां पे पावर्टी बहुत ज्यादा होती है, इग्नोरेंस ज्यादा होती है, वहां पे डिसहार्मोनी होती है, अदरवाइज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। जो इनका आइडिया था ना कि हाँ, हम वर्किंग क्लास वगैरह, ये जो कोऑपरेटिव वगैरह बनाने का, तो जो वर्किंग क्लास थी ब्रिटेन में वो उनकी नजर में आ गए और उस समय इन्होंने जैसे मूवमेंट और ट्रेड यूनियन को बहुत सपोर्ट किया, जो कि उस समय इलीगल मानी जाती थी ब्रिटेन में, क्योंकि उस वक्त ये सब नहीं चलता था एज उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक में होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है वो तो ज्यादा हो गई। तो ये जो इनका आइडिया था वो उनके प्रॉफिट के बिल्कुल थोड़ा अगेंस्ट था। अब बात कर लेते हैं हम चार्ल्स फोरियर का जो आइडिया है सोशलिज्म उसके बारे में। तो चार्ल्स फोरियर की बात करें तो ये फ्रांस की एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इनकी जो फैमिली थी उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया गया था, मतलब थोड़ा बड़ा ओहदा दिया गया था। इनको जो सबसे बेकार चीज लगती थी और जो इनको सबसे ज्यादा ये
कंसर्न थे वो था फर्स्ट कि वेस्ट एफिशिएंसी की, जो वेस्ट इतना हो रहा है उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, दूसरा बोर्डम, और तीसरा कि इनइक्वालिटी ऑफ मॉडर्न वर्क, इनका जो काम करने का तरीका है ना उन पे इनके व्यूज बहुत ही डिफरेंट थे बाकी सबसे। इनका मेन इंटरेस्ट था कि जो काम है ना उसको ऐसे एक्टिविटी बना दे कि लोगों को वो पसंद आए, लोग इंजॉय करने लगे और ऐसे वो एडजस्ट हो जाए उनके कैरेक्टर में इंडिविजुअल के, कि वो उनकी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन जाए, यानी कि वे ऑफ लिविंग बन जाए, यानी कि वो बहुत अच्छे से काम करे, एंड जब वो अच्छे से काम करे तो ऑब्वियसली आउटपुट अच्छा आएगा। तो इनका जो बिल्कुल यूनिक वे था ना सोचने का भी ये था कि वो जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना उस पे ये बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि जब डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं ना हम, तो क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे रिपीटेटिव ऑपरेशन में काम को बांट देते हैं। जैसे कि एक पर्सन का काम है सिर्फ पैकिंग करना, तो मतलब वो सुबह से शाम तक पैकिंग कर रहा है, तो उसको उसके लिए वो वर्क इतना प्लेजेंट नहीं है, बट सिंपल सी बात है कि उसके लिए सिर्फ इतना काम है कि वो पैसे कमा रहा है बस एक एक्टिविटी करके, मतलब वो सिर्फ एक मैकेनाइज्ड एक्टिविटी कर रहा है इनके हिसाब से। इसीलिए ये बिलीव नहीं करते थे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनकी एफिकेसी में, उनकी एफिशिएंसी वगैरह में, और उन पे उनको ज्यादा भरोसा नहीं था कि उसके चलते ये कुछ डेवलप हो पाएगा। और इनका मानना था कि जो काम है ना वो कंट्री साइड, यानी कि जो गांव है, जो छोटे टाउन्स हैं, जो छोटी शॉप है टाउन में, उधर कंसंट्रेटेड होना चाहिए जहाँ पे फैमिली लाइफ हो, यानी कि लोग अपनी कम्युनिटी के साथ रह सके, एक दूसरे को जान सके, अपने काम को एंजॉय कर सके। मतलब इनका मानना था कि एक हमारी जो वर्क वाली लाइफ है वो भी हो और एक हमारी पर्सनल एंड सोशल लाइफ भी हो, काम को वेरी करना चाहिए और ऐसी एंजॉयबल एक्टिविटी बना दे। और ये तभी हो सकता था जब कॉम्पिटिशन हट जाए, यानी कि अगर हम कॉम्पिटिशन को हटा दें और छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स बना दे अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्री है ना वो इंडिविजुअलिटी पे बहुत इंपैक्ट करती है, कि जैसे अब उसको एक ही काम दे दिया, फिर उनके प्रॉपर उनकी गाइडलाइंस होती है, उनको एक्सप्लॉइट वाला इनका मानना था कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा है। उस समय तो जमाना भी थोड़ा डिफरेंट था ना, कि जैसे लेबर लॉज जैसे अब है वैसे नहीं थे, तो इनका ये मतलब टर्म था। एंड वो कहते थे कि जो प्लेजर ऑफ वर्क है, कि काम से हमें एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, हमें मजा आना चाहिए कोई काम करने में, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है लार्ज इंडस्ट्रीज। तो अब बात करते हैं प्रावधान के आइडिया के बारे में सोशलिज्म के लिए। तो देखिए इनका मानना था कि जो प्रॉपर्टी है ना वो बेसिकली ये थेफ्ट की तरह मानते थे, यानी कि चोरी की तरह। एंड ये बहुत ही पोलेमिकल आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है इसमें, कि ऐसे आर्ग्यूमेंट जिसमें स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, यानी कि किसी के लिए स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट में बोलना, तो ये मार्क्स से बहुत ही ज्यादा डिसएग्री करते थे ऑन दो चीजों पे, एक तो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा और दूसरा पॉवर्टी के बारे में। इन्होंने बकायदा एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी की फिलॉसफी, तो जिसका उत्तर जो है वो मार्क्स ने दिया था अपनी एक और बुक लिख के, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यानी कि फिलॉसफी की कमी। उन्होंने बोला था कि जो इनइक्विटीज है ना, कि जो कमी है फिलॉसफिकल कन्वेंशन की, वो आपकी तो मिसिंग है। तो ये सबसे ज्यादा कंसर्न थे कि जो ऑर्डिनरी पीपल लोग है ना उनके लिबर्टी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये इनका मेन एम्फेसिस लिबर्टी में था, एंड वो कैसे अटेन कर सकते हैं, यानी कि कैसे पा सकते हैं। तो इन्होंने बोला था कि जो सबसे बड़ा काटा है ना हमें लिबर्टी को रियलाइज कराने में, वो है इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता। क्वालिटी इनके हिसाब से एक प्री कंडीशन होनी चाहिए लिबर्टी की। ये मैंने लिबर्टी एंड इक्वालिटी के रिलेशन में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे प्री कंडीशन होती है, तो आप उधर रेफर कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा मैंने लेक्चर इसके बारे में बनाया है। तो इसका मतलब है कि इनका मानना था कि इक्वालिटेरियन इथोस होनी चाहिए, यानी कि इक्वालिटेरियन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड मोरालिटी में भी आप लाओ, और ये तभी हो सकता है, एकमात्र इसका सहारा है कि क्लासलेस सोसाइटी हो जाए, कि सोसाइटी में कोई क्लास ना रहे। जैसे अब क्लासलेस सोसाइटी मार्क्सिस्ट वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, कि जैसे बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियट के बीच में, खैर मार्क्सिज्म मैं नेक्स्ट उसमें भी बताऊंगी, बट थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि बुर्जुआजी एंड प्रोलिटेरियट के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो इनका मानना होता है कि अगर इनके बीच में ऐसे बुर्जुआजी वाला टैग ही नहीं होगा, प्रोलिटेरियट वाला टैग ही नहीं होगा, सब लोग इक्वल होंगे, तो क्लासलेस सोसाइटी होगी, तो ये एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा। लेकिन इनका ये मानना है कि ये सब हम क्लास वॉर करके नहीं कर सकते, जैसे उसमें था ना मार्क्सिज्म में कि आप रेवोल्यूशन करके लाओ ऐसा सोशल चेंज, लेकिन ये उसके अगेंस्ट थे। तो इनका ये मानना था,
अब इसके अगेंस्ट से तो ऑल्टरनेटिव क्या था, ऑल्टरनेटिव ये मानते थे कि आप वॉलंटरी एग्रीमेंट्स करो ना, कि एग्रीमेंट बना लो कि पर्टिकुलर रूल्स ये होंगे, ये सारी चीजें ऑफ वर्किंग पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि एक हमें रास्ता दिखाए क्लासलेस सोसाइटी की तरफ। यानी कि जैसे एक एग्जांपल है इसका, डिसेंट्रलाइज्ड वर्कर कोऑपरेटिव्स जो होती हैं, इसमें जैसे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो एंड दोनों को प्रॉफिट हो। नेक्स्ट आता है सेंट साइमन। सेंट साइमन का आइडिया सोशलिज्म का थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस, यानी कि इनको साइंस में बिलीव करते थे, इंडस्ट्री में बिलीव करते थे, लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन में बिलीव करते थे। ये रोजेनियन थे, यानी कि जो रोजियो थे उनके आइडियल्स को फॉलो करते थे। तो रोजियो की आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो पता ही है, रोजियो की, कि स्टेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो मेंटेन करती है सारी एक्टिविटीज एंड लोगों को ऑर्डर चाहिए, एंड उस ऑर्डर के लिए वो पर्टिकुलर अपनी लिबर्टी थोड़ा स्टेट के लिए सेक्रीफाइस करती है, एंड वो सेक्रीफाइस वॉलंटरी होता है, यानी कि कंसेंट पे बेस्ड होता है, एंड बदले में उनको सिक्योरिटी मिलती है, ऑर्डर मिलता है। एंड रोजू का ये भी मानना था कि जो लिबर्टी है ना, उसको हम बेस्ट यूटिलाइज, बेस्ट रियलाइज कब कर सकते हैं, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। तो इनके आइडियल्स भी वैसे ही थे, और ये बिलीव करते थे कि जो आम इंसान है ना, उनका काम वो बहुत ही गुड है, ऑनेस्ट है एंड वर्चुअस है। और ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं ना, ये दोनों को ही ये नापसंद करते थे। रीजन ये था कि भाई ये खुद ही एक ऐसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की ब्रांच से आए थे जो बाद में इम्प्रोवाइज हुई। इम्प्रोवाइज मतलब कि बाद में उनके लेवल थोड़ा बढ़ा, अदरवाइज इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ना बचपन में, कि कैसे डिस्टिंक्शन होती है क्लास के बीच में, क्या रिलेशंस होते हैं, देन सोशल कैसे क्रिएट होता है। ये बिलीव करते थे सोशल रिकंस्ट्रक्शन में, कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन हो, लेकिन वो कैसे हो, वो एडवाइस ऑफ द लर्न्ड एलाइट, यानी कि जो लर्न्ड एलाइट है उनकी एडवाइस के द्वारा हो। यानी कि देखिए, अगर हम इसको रिलेट करें इस लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आज के जमाने में क्या है कि जब हम सोशल कुछ हम रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, सोशल प्रोग्राम्स लाते हैं, तो इंडिया के केस में हम ब्यूरोक्रेसी को बोल सकते हैं, बिकॉज वो इतने पढ़ लिख के इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करते हैं, दे आर लर्न्ड एलाइट, एंड वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो एंड उससे हमें सोशल रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी रिलेट करके देख सकते हैं। तो इनका ये भी मानना था कि जो लर्न्ड एलाइट है ना, उनके अंडर में लोग रीडिजाइन करे वापस सोशल इंस्टीट्यूशंस को, एंड सोल एम क्या होना चाहिए उसके रीडिजाइन करने का, कि मॉरल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल इम्प्रूवमेंट होए पुअरेस्ट की, यानी कि जो गरीब दर्जे के लोग हैं उनकी, एंड जिसमें स्टेट जो है वो बहुत बड़ा सेंट्रल रोल प्ले करे। यानी कि ये वेलफेयर स्टेट के फेवर में थे अंडर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इंडिया के केस में वेलफेयर स्टेट एंड ब्यूरोक्रेसी। इनके हिसाब से जो वेजेस है ना, वो ऐसे दिए जाने चाहिए लोगों को, उन जैसे उनकी कैपेबिलिटी है, यानी कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, जिसने जितना काम किया, जितनी क्वालिटी का, जितनी क्वांटिटी में काम किया, उसके हिसाब से उनको वो वेजेस दो। और ये सही भी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि उनको उनके मेरिट के बेसिस पे आपको वेजेस मिल रहे हैं, और जो नॉन वर्कर्स है ना, उनको तो भाई ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, कहते उनको तो उखाड़ फेंको। अब इनका ये भी मानता कि जो स्टेट है उनका, देखो सेंट्रल रोल है मतलब हर एक चीज में, सोशल रिकंस्ट्रक्शन में। तो इनका मानना था कि जो स्टेट है वो कंट्रोल करे एजुकेशन और प्रोपेगेंडा, जिससे ये हो कि हारमोनी आए, यानी कि सोल एम ये होना चाहिए कि हारमोनी के लिए आप एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा कंट्रोल करो। अब बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स की। इनका नाम बहुत ही ज्यादा सोशलिज्म से इसलिए जोड़ा जाता है एंड उसके बाद मार्क्सिज्म से, बिकॉज ये पहले इंसान थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी सोशलिज्म की। जो मार्क्सिस्ट आइडिया था ना सोशलिज्म का, वो बहुत ही यूनिक था, एंड उसको उतनी ही वैल्यू दी जाने लगी जितनी कैपिटलिज्म को दी जाती है, ठीक है। देन मार्क्स ने एक डॉक्ट्रिन डेवलप की जो कि यूनिफाइड थी, यानी कि एक प्रॉपर उन्होंने फ्रेमवर्क एंड डॉक्ट्रिन बनाई थी। डॉक्ट्रिन मैंने बताया था जैसे सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है जो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कोई भी दे, और वो थ्योरी जो थी वो प्रैक्टिकल थ्योरी थी एंड वो गाइड करती थी कि कैसे काम होना चाहिए, एंड जो प्रैक्टिस थी वो उससे क्या होता था कि जो थ्योरी के एरर्स है वो फर्दर इम्प्रूव होते थे। जैसे कि आपने कोई थ्योरी बनाई कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, जब आपने वो वाले काम किए
जब आपने कुछ एक चेंजेस किए तो आपको देन कुछ एनालिसिस किया आपने, आपको कुछ एरर्स मिले एंड देन आपने वो थ्योरी रेक्टिफाई की. उसके बाद इनका जो बेसिस था ना वो ये था कि रेवोल्यूशनरी एक्शन होना चाहिए. मतलब जो मैंने बताया था आपको पहले भी काफी बार बता चुकी हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में भी कवर करेंगे कि प्रोलिटेरियट एंड बुर्जुआजी के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, यानी ये जो भी क्लास डिस्टिंक्शन है वो कैसे हटाई जा सकती है. वो जो प्रोलिटेरियट है, जो एक्सप्लॉयटेड क्लास है, और जो वो क्लास है जो कि कुछ ओन नहीं करती, जिनकी कुछ अपनी ओनरशिप नहीं है, उनको रेवोल्यूशन करना चाहिए. एंड रेवोल्यूशन करने के बाद वो अपने राइट्स लें. और राइट्स कैसे मिलेंगे कि रेवोल्यूशन करके ऐसी सोसाइटी बना लो जिसमें कोई क्लास ही ना हो, यानी कि कोई डिवीजन ही खत्म हो जाए. जब डिवीजन खत्म हो जाए कि सब इक्वल, तो कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा एंड उसके बाद स्टेट की नीड भी खत्म हो जाती है. ये इनके मानना था. और रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज हैं वही सोशलिज्म की सोसाइटी को बना सकते हैं, यानी कि बाकी सारी क्लास वाली सोसाइटी को रिप्लेस कर सकते हैं सोशलिज्म से. एंड इनका ये भी बहुत सपोर्ट करते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको अबॉलिश करा जाना चाहिए एंड क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, और कैपिटलिज्म की जगह कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए. ये बिलीव करते थे कि जो प्रॉपर्टी है ना उसको कलेक्टिवली ओन किया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको पहले लास्ट वीडियो में कि कलेक्टिवली स्टेट ओन करे उसको एंड स्टेट डिसीजन ले कि कौन सा प्रोडक्ट कब बनेगा, कैसे जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड कौन कितना पार्ट प्ले करेगा, सब कुछ डिसीजन स्टेट ले, ना कि कोई इंडस्ट्री या फिर प्राइवेट ओनर. और वो यूज करी जानी चाहिए ह्यूमैनिटी के, मानवता के भले के लिए, यानी कि बेनिफिट के लिए. लेकिन इन्होंने बहुत ही कम बोला है कि चलो ये सब उन्होंने थ्योरेटिकल तो बहुत बोला, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे होगा ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला. एंड हमने बाद में देखा फिर कि लेनिन ने जो सोवियत यूनियन में रेवोल्यूशन किया वो प्रोलिटेरियट पे बेस्ड था, देन जो माओ ज़ेडोंग ने किया था वो पीजेंट रेवोल्यूशन पे बेस्ड था. हालांकि इनका मानना था कि पीजेंट के पास तो इतनी पावर नहीं होती कि वो रेवोल्यूशन कर सके, बिकॉज वो बहुत ही ऐसी क्लास है कि रिएक्शनरी नहीं है. तो फिर भी लेकिन हुआ, उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली किया. तो इनकी थ्योरीज को काफी जो था वो जब प्रैक्टिकलिटी पे आई, जब प्रैक्टिकलिटी पे बात आई तो काफी चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाने लगा. लेकिन हाँ, इनकी थ्योरी ये थी. एंड दोस्तों, ये तो हमारा हुआ सोशलिज्म. नेक्स्ट वीडियो से हम मार्क्सिज्म पे आएंगे, तो आप रेगुलर रहिएगा, बिकॉज अगर रेगुलर रहेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी चीजें. तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बना रखी है. जिसको कुछ भी एक्सेस करना है वो यहाँ से पढ़ सकता है. एंड इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि ये चैनल पे ये सारी चीजें, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं. एंड थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.